हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1990 से यूएनओ द्वारा बुजुर्गों के समक्ष चुनौती व बुजुर्गों की महत्ता पर विशेष प्रयास सुनिश्चित करने के तहत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास सुनिश्चित किए गए। इसी कड़ी में डे केयर सेंटर खलीनी द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों व स्कूली बच्चों के साथ इस विशेष दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। आज इंटरनेशनल वृद्ध दिवस है और उस उपलक्ष्य में आज खलीनी में जो हमारा नगर निगम का एक यहाँ कार्यालय है उसमें हेल्पेज इंडिया के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम किया था जिसमें सीनियर सिटीजन्स और बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए थे, जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ कल्चर प्रोग्राम और उसको जनरेशन गैप का के लिए जो एक प्रोग्राम कर रहे हेल्पेज इंडिया वाले उसके लिए एक आगे आने वाले समय में वर्कशॉप्स लगाएंगे जगह जगह पूरे हिमाचल में एक पॉलिसी मैटर के, तो क्योंकि जो यंग और बुजुर्ग में एक गैप सा पड़ गया है उसको निभाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए हेल्पेज इंडिया उस पर काम कर रहा है और मेरा भी इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा और मैं अपने आने वाले समय में बुज़ुर्गों के लिए एक नगर निगम के हमारा जो मेरा ऑफिस है उसके साथ ही एक ना केवल खलीनी में रह करके मॉल पे और शिमला में इस तरह की कन्वेंशन करने जा रहे हैं। जल्द इसमें सीनियर सिटीजन्स को इकट्ठा करेंगे ताकि वो अलग अलग प्रोग्राम लोगों के माध्यम से जाए और जिसमें सभी बुज़ुर्गों के बारे में जो किस तरह की आजकल बुज़ुर्गों के साथ व्यवहार होता है, ओल्ड एज होम में क्या क्या कमियाँ रहती है। और आज हेल्पेज इंडिया ने पूरी हिमाचल प्रदेश से जो अलग अलग जहाँ होम स्टेज है उनके लिए स्टिक्स है, व्हील चेयर्स है और जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, तो अलग अलग जो जिनको नीड होती है बुज़ुर्गों को, वो अलग अलग एरा हेल्पेज इंडिया की तरफ से वितरित किए गए, जो एक बहुत पुण्य का काम था। और मैं चाहता हूँ कि इस काम को ना केवल यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश में और पॉलिसी मैटर के रूप में इस पर हम काम करें ताकि बुज़ुर्गों और हमारे जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उसके साथ अच्छा तालमेल हो, बुज़ुर्गों का लंबा चौड़ा जीवन का एक्सपीरियंस और हमारे बच्चों का कल्चरली और हमारा जो संस्कार है उसके प्रति अभियान के रूप में हम उसको चलाने जा रहे हैं। इस मौके पर वार्ड पार्षद चमन प्रकाश ने कहा कि आज के समय में बच्चों और बुजुर्गों में काफी जनरेशन गैप आ गया है, ऐसे में इस गैप को कम करने के मकसद से डे केयर सेंटर खलीनी में आज बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे अपने घर के बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिता सके। मैं सबसे पहले डॉक्टर राजेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हेल्पेज इंडिया के माध्यम से यहाँ पे लगातार कार्यक्रम जो है बुजुर्गों के लिए करवाते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है इसको हम जो मना रहे हैं इससे जो है एक हमारा एक मैसेज जाता है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके और बुज़ुर्गों के बीच जो गैप भावनात्मक खत्म हो चुका है, कम हो चुका है वो कम, ताकि वो आपस में इस चीज़ को समय ज़्यादा बुज़ुर्गों को दे। और बच्चे भी आज बुलाए गए हैं, इसमें कुछ स्कूल्स के और कुछ बुज़ुर्ग आए हैं, हेल्थ कैंप भी आज रखा गया है, तो इससे काफ़ी हमारे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और बच्चे अपने दादा दादी जैसे पहले यहाँ दादा दादी से प्यार करते थे, आज जो हमारी नई जनरेशन है वो थोड़ा गैप हो चुका है, उसको गैप को कम करने के लिए जो डॉक्टर राजेश जी काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। हेल्पेज इंडिया हिमाचल के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने कहा कि वर्तमान में बुजुर्गों के साथ अनेक समस्याएं देखने को मिल रही है, ऐसे में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका मकसद देश में बुजुर्गों के बलिदान को याद करना और उनके साथ आज कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर भी प्रकाश डालना है।
जैसे कि 1 अक्टूबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है, और इस दिवस के अवसर पर आज हम लोग भी शिमला के खलेनी में, हम लोग ये हमारा यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र है जो MC का हमारे को बिल्डिंग में हमको मिला हुआ, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो ये 1 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का सबसे बड़ा एक मकसद ये है कि इस पर आज हम लोग ये बुजुर्गों का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश में, इस प्रदेश को बनाने में, इस सोसाइटी को बनाने में, उनके याद के लिए हम लोग ये मनाते हैं। साथ में बुजुर्गों के साथ किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम लोग हाईलाइट करने के लिए हम कोशिश करते हैं इस दिवस पर। तो ये दिवस हम लोग पूरे देश में आज मना रहे हैं, साथ में शिमला में भी मना रहे हैं। बट इस साल हमने एक आज के दिन एक हम लोग कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम जिसका नाम हमने रखा हुआ जनरेशन टुगेदर नीचे, और हम एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एज फ्रेंडली सोसाइटी, एज फ्रेंडली स्टेट, जिसमें हर वर्ग के, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, उनका उस सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट हो और उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो वही हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग हमारे देश में डिग्निटी के साथ रहे और एक ऐसा एक सोसाइटी बनाए जहाँ पे सभी 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 लोग सभी सभी तरह के हर तरह के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो रहे, और एक बहुत बड़ा हम लोग सोसाइटी और एक बहुत अच्छा एक एज फ्रेंडली हम लोग स्टेट बनाने की कोशिश करें।